घटना तो यहाँ पे वो सफाई करवा रहे थे अंदर टैंक के अंदर, उसके अंदर जहरीली गैस की वजह से वो दो लड़के मजदूर अंदर काम कर रहे थे, फिर वो गए, फिर उनका भी वैसे ही हाल हो गया। इतना ही तो हमारे को साइड पे पता चला, हम भी कहीं और से आए हैं। हमारे को शाम को 7 बजे घर से सूचना मिला, तो फिर हमने साइड पे आया, देखा यहाँ पे ना अभी तक हमारे को डेड बॉडी दिखलाए हैं, ना कुछ मुआवजा वुआवजा का किसी बारे में हमारे से बात नहीं की है। अगर सुरक्षा व्यवस्था होता तो ऐसे काम थोड़ा हुआ था। आप देख लीजिए साइड पे जाके किस हालत में काम हुआ है, वहाँ पे कोई मतलब सेफ्टी ना ऑक्सीजन का सिलेंडर कोई भी चीज, बिना ऑक्सीजन के सिलेंडर के मजदूरों को अंदर जाने क्यों दिया गया। गड्ढा सब किया था सुबह से, तो सब क्या था उसमें 3 आदमी था हमने, तो लेस के बाद वही भी आया 2 बजे, 2 बजे उन्हें आया तो उन्हें मेरे को बोला जे कैसे काम कर रहे इसमें, तो देखने के लिए वो आया था, तो बोला जे मैंने मना कर दिया था इसमें मत देखना, वो नीचे उतर गया है देखने के लिए, नीचे उतर के वो ऊपर नहीं आ सकती। जब वो नीचे चले गए था तब ऊपर नहीं आ सकता, और इसलिए सेफ्टी सार भी चले गया उसके बाद, वो चले गए उसके बाद वो भी नहीं आ सकती ऊपर। हम लोग काम किया था कुछ भी नहीं हुआ था, जब 2 बजे तक वो आया हम लोग भी आया था वहीं पे बैठ गया था, फिर वो बाद में आया था ना, वही बोला जे कैसे काम कर रही है इसे, तो बोला बहुत बदबू आ रहा है इसमें से इसलिए नहीं नहीं काम कर रही है अभी। सब लोग भी वो भी बोला था, वही भी बोल दिया जे बहुत बदबू आ रहा है इसमें, तो 2 बेल्डर भी था वो भी बोला सिर्फ चक्कर आ रहा है इसलिए नहीं जा पाएंगे अभी, वो भी मना कर दिया।